बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मूविंग एवरेज कैलकुलेशन पर थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यानी टाइम सीरीज एनालिसिस में हम जब ट्रेंड कैलकुलेट करते हैं तो वो ट्रेंड होता है बेसिकली मूविंग एवरेज। इसे कैमुलेटिव मूविंग एवरेज भी कहते हैं, कैमुलेटिव कह लें या ना कहें, जो मर्जी आपकी मर्जी है। इनफैक्ट ये होता है कि हमने नंबर ऑफ सीजन देखने होते हैं। अब जहाँ पे S1, S2, S3 एक साल के सीजन ही तीन हैं, फिर S1, S2, S3, तो सिंपल सी बात ये है कि इसका अगर 100 है, इसका 130 है, इसका 110 है, इसका 120 है, तो सिंपल नंबर ऑफ सीजन जितने होते हैं 1, 2, 3, उसका हमने एवरेज लेना होता है। एवरेज जब लेते हैं हम 340 डिवाइडेड बाय 3 130, इसका एवरेज पहले तीनों का 113 है, 113 मिड पॉइंट इसका ये बनता है 113.33। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये सीजन टू के सामने आ गया। अब अगले का भी आप मूव करेंगे, पहला छोड़ेंगे अगला इंक्लूड करेंगे, फिर तीनों का एवरेज आप लेंगे तो 130 प्लस 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 120 आया, तो 1, 2, 3 वो इसके सामने आ गया 120। ये हमारा ट्रेंड निकलता रहता है क्योंकि ये सेल जो होती है ये हमारा वाई है। जब भी आपने किसी भी ऑड नंबर, अब 1, 2, 3 ऑड नंबर हैं, ऑड पीरियड्स कह लें, ऑड पीरियड्स हैं, इसके तीन का निकालना तो वो दो के सामने आ जाएगा, पांच का निकालेंगे तीन के सामने आ जाएगा, सात का निकालेंगे फिर भी चार के सामने आ जाएगा, नौ का निकालेंगे पांच के सामने आ जाएगा। मीन्स ऑड नंबर का जब भी एवरेज निकालेंगे थ्री का तो वो किसी ना किसी के सामने आएगा। मसला तब होता है जब इवन नंबर हो, इवन पीरियड मूविंग एवरेज, जैसे 2001 है उसका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 2002 फिर उसका क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, वहां पे 160 है, यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 150 है, 170 है। अब नंबर ऑफ सीजन 1, 2, 3, 4 चार है तो एवरेज भी चार का लेना पड़ेगा। अब इसे गौर से देखिएगा, 100 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 4 तो 130 आया। इवन नंबर पीरियड में जो दो पीरियड का एवरेज लेना हो, चार का लेना हो या छः का लेना हो, आठ का लेना हो, तो ये प्रॉब्लम आता है। वो कौन सा प्रॉब्लम आता है कि 130 एवरेज है, वो जब हम एवरेज पुट करेंगे तो हम मिड पॉइंट तो इसका चार का मिड पॉइंट तो दो और तीन के दरमियान है, ना दो है ना तीन है, वो तो इसके दरमियान में 130 चला गया। अगर मूव करेंगे आगे, पहले को छोड़ेंगे अगले चार का लेंगे तो 120, 160, 140, 150 डिवाइडेड बाय 4, 142.5 है, तो वो भी इन चारों में देखें तो वो इसके सामने जाएगा 142.5। अगर इसके अलावा इससे और आगे भी चले जाएं, 160 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 4 तो वो इसके, यानी वो किसी पीरियड के सामने नहीं आ रहा। 130 क्वार्टर 2, 3 के दरमियान में, 142.5 3, 4 के दरमियान में है, 155 4 और नेक्स्ट पीरियड के क्वार्टर 1 के दरमियान में, हमें जबकि ये चाहिए होता है कि ये किसी ना किसी पीरियड के सामने आए। वन टाइम एवरेज लिया, बात नहीं बनी तो हम अगली मरतबा दो का एवरेज 130 और 142.5
डिवाइडेड बाई टू 136.25, तो वो इन दोनों के दरमियान में आएगा 136.25। अगर यहाँ पे लंबी लाइन लगा के देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वार्टर थ्री के दरमियान में आ जाएगा। अगले दो का लेंगे तो वो उनके दरमियान आएगा, लंबी लाइन लगाएंगे तो वो क्वार्टर फोर के सामने आएगा। हमें ये जो एवरेज होता है, ये ट्रेंड है, किसी ना किसी पीरियड के सामने लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें दो मरतबा एवरेज लेनी पड़ेगी, एक मरतबा नंबर ऑफ सीजन की एवरेज, फिर उसमें से दो की एवरेज। ये जब भी आपके सामने दो का एवरेज होगा तो वन एंड टू उनका एवरेज आ रहा है, उनके दरमियान वन एंड टू, अगले का भी एवरेज दरमियान, तो फिर आपको एवरेज का एवरेज लेना पड़ेगा ताकि किसी के सामने आए। दो का ले लें, चार का ले लें, छः का ले लें, आठ का लेंगे, इसमें डबल टाइम एवरेज लेनी पड़ेगी। दो मरतबा, एक मरतबा एवरेज और एक सीजन की एवरेज और एक मरतबा एवरेज की एवरेज। जबकि अगर तीन पाँच सात नौ सीजन हुए यानी ऑड नंबर में ताकदाद में, तो फिर वो एवरेज जो लेंगे वो किसी ना किसी के सामने लाजमी आ जाएगी। एक दो तीन चार पाँच का एवरेज लेंगे तो वो तीन के सामने आ जाएगा। ऑड नंबर में इशू नहीं होता, ऑड नंबर में सिंगल टाइम एवरेज लेते हैं और इवन में डबल टाइम एवरेज लेते हैं, एवरेज टू एवरेज। ये बात आपने याद रखी है, बाकी बातें आपसे फिर होंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।